अरे आरती, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं हुआ। अब तुम अपनी ही दादी से झूठ बोलोगी? दादी, मुझे डर लग रहा है बोलने से। क्यों बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, कोई भूत थोड़े ना। अगर मैं बोलूंगी तो आप मुझसे बात करना छोड़ दोगे? एक बार बोल के तो देखो। मैं आप लोगों से डिफरेंट हूँ। कैसे? मुझे शायद लड़के नहीं पसंद, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं। बस इतनी सी बात थी? मुझे लगा कि तुमने ड्रग्स बेचने शुरू कर दिए। दादी आप समझे नहीं। बच्चे, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, यह हमारे ज़माने में नहीं होता था? माना कि इतना पता नहीं था तब, मगर लोगों की फीलिंग्स तो वही थी ना। पता है मुझे, मेरी एक दोस्त बहुत पसंद आती थी, हम हमेशा साथ रहते थे। सच्ची? सच्ची। फिर क्या हुआ? फिर उसकी शादी हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा था, और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। फिर वो US चली गई, और उसके बाद से हमारी कभी बात नहीं हुई। मगर फिर मुझे तेरे दादा मिले, और उन्होंने मुझे अच्छे से समझा। वाओ दादी, बेटे, मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें लगा कि तुम ऐसी बातें नहीं कर पाओगी मेरे साथ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें मुझसे ऐसा डर लगे। तुम जैसे भी हो, मुझे बहुत पसंद हो, और ये कोई भी नहीं बदल सकता। आप भी मुझे बहुत पसंद हो। यू आर माई फेवरेट।